us about the how the British East India Company came to India for the trading, but later this company control over the whole India and establish a British Empire. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी ईस्ट इंडिया कंपनी से और साथ में ये जाना कि किस तरह से इंग्लैंड में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी इसने इंडिया को मार्केट की तरह यूज करना शुरू किया था, किस तरह से ये कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए इंडिया आई, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका जैसे जैसे ग्रीड बढ़ता गया, मनी पैसे का लालच बढ़ता गया, उस तरह से इस कंपनी ने हमारी कंट्री पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, जिसमें हमने पढ़ा था बैटल ऑफ प्लासी 1754 एंड बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो इस तरह से बक्सर के बैटल से ये प्रूफ हो गया था कि अब कंपनी जो है ट्रेडिंग तो करेगी, ताकि ट्रेडिंग से क्या था कि कंपनी का खर्चा निकलना था, कंपनी के जितने भी एक्सटेंशन थे वो निकल रहे थे, लेकिन साथ में धीरे धीरे सबसे पहले कंपनी ने बंगाल पे कंट्रोल किया, फिर मद्रास पर, फिर उड़ीसा पर, और इसी के साथ में अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरह से टीपू सुल्तान जो कि मैसूर हैदराबाद के रूलर थे उनको हराया और मैसूर पे कंट्रोल किया, फिर इन लोगों ने मराठा पावर को डेमोलाइज किया, मतलब मराठा पावर को खत्म किया, और धीरे धीरे पूरे इंडिया पर इनका जो है वो एम्पायर एक्सटेंड होना शुरू हुआ, और यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स को फायदा मिल गया, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्होंने इंडिया से कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, लोगों से पैसा अपनी तरफ खींचना शुरू किया, और ये सारा मनी ये इंडिया से लेकर इंग्लैंड चले गए, और इस तरह से हमारी कंट्री जो थी, जो किसी समय में सोने की चिड़िया गोल्डन बर्ड कहलाती थी, किस तरह से ये इंडिया को इन लोगों ने लूटा, एक्सप्लोर किया, और किस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक ट्रेडिंग कंपनी इंडिया बिजनेस करने के लिए आई और बाद में हमारी कंट्री की मास्टर बन गई। आज की क्लास में बच्चों हम लोग जो दो टॉपिक हमारे बच गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो है डोमिनियन ऑफ लैंड्स, ये एक पॉलिसी है, इसे समझेंगे, और इसके बाद हम लोग समझेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो दो चीजें आज लोग हम लोग समझने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम लोग बच्चों बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है राज्य हड़पने की नीति। राज्य हड़पना मतलब बिल्कुल किसी के राज्य पर, किसी के किंगडम पर कंट्रोल कर लेना, जबरदस्ती उस किंगडम के ऊपर अपना अधिकार कर लेना, या उस किंगडम को वहां के राजा से छीन लेना, ये तो हो गया राज्य को हड़पने की नीति। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो राज्य को हड़पने की नीति मतलब जबरदस्ती ब्रिटिशर्स ने कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे छोटे बड़े, जिसमें आपको झांसी का नाम, उदयपुर का नाम, आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जरूर सुनी है बच्चों। तो वो जो झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था अपना, वो इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग किया था। तो ब्रिटिशर्स ने कई सारी पॉलिसीज बनाई, कई सारे ऐसे कानून बनाए ताकि ब्रिटिशर्स इंडिया पर कंट्रोल कर सके। ये जो रियासतें थी, जो बड़े बड़े राजा थे, उनको किस तरह से उनकी रियासतों से निकाला जाए और किस तरह से वे वहाँ के मास्टर बन जाए। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे तरीके अपनाए थे, उसमें से एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जानते हैं बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो पॉलिसी है क्या थी। तो देखें लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल 1848 to 1856। देखिए बच्चों 1857 के रिवॉल्यूशन के बाद हमारी देश के अंदर एक नया सिस्टम बनाया गया। इंग्लैंड की महारानी भारत को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रिटिश ऑफिसर को इंडिया भेजती थी, जो इंडिया का सबसे सुप्रीम माना जाता था, मतलब इंडिया में सबसे पावरफुल माना ऑफिसर माना जाता था, जिसको गवर्नर जनरल कहते थे। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी थे ये गवर्नर जनरल बनकर इंडिया आए। ठीक है, और इनका जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से 1856। इस डलहौजी ने इंडिया के जितनी भी प्रिंसली स्टेट थे उनको ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने के लिए एक पॉलिसी बनाई। ठीक है ना, तो देखें ही इंट्रोड्यूस न्यू पॉलिसी टू एक्सटेंड एम्पायर अगेंस्ट द पीरियड ऑफ लैप्स। तो बच्चों आपका पहला यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के
पॉलिसी थी डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स, ये पॉलिसी किसने हमारे कंट्री में स्टार्ट की? तो लॉर्ड डलहौजी ने, और लॉर्ड डलहौजी कौन थे? इंडिया के गवर्नर जनरल थे। आगे हम बात करते हैं, अब इस डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स में क्या क्या बातें शामिल की गई, अंग्रेज किस तरह से किसी भी राजा के राज्य पर कंट्रोल करना चाहते थे, तो इसमें कुछ शर्तें रखी गई। क्या कहा गया? तो देखिए, इफ एनी रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड बी लैप्स एंड बिकम द पार्ट ऑफ कंप्लीट टेरिटरी। पहला कानून इस डॉक्टेरियन ऑफ लैप्स में पहली शर्त ये रखी गई कि अगर किसी भी रियासत का राजा मरने से पहले, या कहते हैं कि जब वो मरता है तो अगर उसका कोई मेल है या नहीं है, मतलब राजा के बाद अगर उसका कोई बेटा नहीं है, तो वो राज्य कंपनी के एम्पायर में मर्ज कर लिया जाएगा जबरदस्ती। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बच्चों, नॉर्मली आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक राजा की डेथ के बाद में उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता है, तो इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि मान लीजिए कोई किंग, उसका कोई बेटा नहीं है और वो राजा अगर मर जाता है तो उसके किंगडम पर किसका कंट्रोल होगा? कंपनी का कंट्रोल हो जाएगा। तो पहली शर्त ये थी। दूसरा देखें, अब डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स पॉलिसी से अंग्रेजों ने कौन कौन सी रियासतों पर, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट पे कंट्रोल किया? तो देखिए बच्चों, दिस पॉलिसी वाज अप्लाइड ऑन सतारा 1848। ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों, याद करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स पॉलिसी के अकॉर्डिंग कौन सी रियासत को ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज किया? तो सबसे पहले सतारा को कब किया? 1848 के अंदर। फिर आया संबलपुर, प्रिंसली स्टेट का रियासत थी 1850 में, जब यहाँ का राजा मर गया तो उसका कोई बेटा नहीं था, तो संबलपुर की जो प्रिंसली स्टेट था वो भी ब्रिटिशर्स ने अपनी अंडर में ले ली। फिर आया उदयपुर 1852, राजस्थान में उदयपुर रियासत थी, तो यहाँ पर भी जब रूलर की डेथ हो गई और उसका कोई बेटा नहीं था तो उसके ऊपर भी इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया। और फिर आगे नागपुर 1853, झांसी 1854। झांसी वही है बेटा जहाँ पर आप लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा था, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई थी। ठीक है, और सामने खबर। अब देखिए बच्चों, झांसी और अवध का केस अलग था। झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति की डेथ के बाद में इनका बेटा बहुत छोटा था, तो अंग्रेजों ने ये बोला कि आप जो झांसी का जो राजकुमार है वो उम्र में अभी बहुत छोटा है, बिल्कुल छोटा, कुछ महीने का बच्चा था, इसीलिए अंग्रेजों ने ये कहा कि राजा जो है उसकी तो डेथ हो चुकी है और ये बच्चा राजा बनने की उम्र का नहीं है, इसीलिए झांसी की जो रियासत थी उसको भी अंग्रेजों ने अपने पास अपने हड़पने की कोशिश की। ठीक है, और इसके बाद में अवध भी एक प्रिंसली स्टेट था। अवध को क्यों ब्रिटिश एम्पायर में मिलाया गया? तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अवध के राजा से कहा कि तुम्हारा जो गवर्निंग सिस्टम है वो बहुत ही बेकार गवर्निंग सिस्टम है, मतलब मिस गवर्नमेंट हो रहा है यहाँ पर, तुम लोग सही ढंग से अवध की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला रहे हो, इसलिए अवध पर हम लोगों का कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से ये समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स पॉलिसी के थ्रू बड़े ही इलीगल तरीके से जबरदस्ती प्रिंसली स्टेट्स को अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। तो ये था डॉक्टेरियन ऑफ लैब्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिटिंग न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब अंग्रेजों ने इंडिया में कई सारे चेंज किए, कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए, जुडिशियल चेंज किए, आर्मी में चेंज किया, तो ये चेंज क्या थे वो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला चीज, इन टाइम ऑफ वॉरन हेस्टी कंपनी ने अक्वायर पावर इन बंगाल मद्रास बॉम्बे 1783-1784। वॉरन हेस्टी ये भी इंडिया के गवर्नर जनरल थे, कंपनी के गवर्नर जनरल थे। जब ये इंडिया आए थे तब इन्होंने या इनकी लीडरशिप में बंगाल मद्रास और बॉम्बे पर कंपनी का कंट्रोल हो चुका था। अब बच्चों, अगर आप टाइम देखेंगे तो देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद वाला टाइम है। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद में कंपनी का नया गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स बने, और इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने बाद में बंगाल पर कंट्रोल किया, मद्रास पर कंट्रोल किया और बॉम्बे पर भी कंट्रोल कर लिया। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अंग्रेजों ने इंडिया में जो बड़ी बड़ी एरियाज थे, है ना, उनको
को अपने एम्पायर में मर्ज कर लिया। इसके बाद दूसरा चेंज किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता था वो इन प्रिंसली स्टेट का सुप्रीम हेड माना जाता था। मतलब गवर्नर जनरल की इजाजत के बिना, उसके ऑर्डर के बिना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस गवर्नर जनरल का पावर एक किंग के बराबर हुआ करता था, एक प्रेसिडेंट के बराबर हुआ करता था। ठीक है, अब ये तो आगे पहला चेंज किया है कि इंडिया में गवर्नर जनरल सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी। जितने भी चेंज हुए वो सारे किसकी परमिशन से होते थे? गवर्नर जनरल की परमिशन से होती थी। सेकंड चेंज क्या हुआ? द वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ये जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारी इंडिया का पहला गवर्नर जनरल बनके कौन आया था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने सबसे पहले इंडिया में कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने शुरू किए। मतलब जो गवर्नमेंट सिस्टम इंडिया में चल रहा था उसमें कुछ बदलाव किए। तो पहला बदलाव क्या था? तो देखिए बच्चों, 1772 न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश्ड विद टू कोर्ट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, 1772 के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जस्टिस सिस्टम में चेंज किया गया, जुडिशियल सिस्टम में चेंज किया गया। तो इंडिया के अंदर दो तरह के कोर्ट बनाए गए, पहला कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, और दूसरा कोर्ट सिविल कोर्ट। अब आपको क्रिमिनल नाम सुन के ये तो पता ही चल गया होगा कि वे सारे केस जो किसी की हत्या, लड़ाई झगड़ा, मारकाट से जुड़े होते थे वो केस कहाँ पर जाते थे? क्रिमिनल कोर्ट में। और जैसे जमीन का झगड़ा है, आपसी कोई फैमिली के बीच का झगड़ा है, तो या फिर तलाक का झगड़ा है, तो ये सारे केस कहाँ जाते थे? सिविल कोर्ट के अंदर। तो इस तरह से मेरे कहने का मतलब है कि 1772 के अंदर सबसे पहली बार अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, या वॉरेन हेस्टिंग्स ने जुडिशियल सिस्टम में चेंज किया और हमारे इंडिया में टू टाइप के कोर्ट बना दिए गए, क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए आप, क्रिमिनल कोर्ट्स वर अंडर द काजी एंड मुफ्ती अंडर द कलेक्टर। आप देखिए क्रिमिनल कोर्ट जो था वो हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए, छोटे छोटे कोर्ट होते थे, ठीक है। इन क्रिमिनल कोर्ट को कौन ऑपरेट करता था? तो काजी और मुफ्ती। अब काजी और मुफ्ती क्यों, और पंडित भी होते थे? तो काजी और मुफ्ती इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स से आने से पहले इंडिया के अंदर मुस्लिम लॉ चलता था, हिंदू लॉ भी चलता था। हिंदुओं, अगर कोई हिंदू है और अगर वो कोई जुर्म कर रहा है तो उसकी सजा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग दी जाती थी। लेकिन आपको ये पता है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी कंट्री में मुगल्स एम्पायर एस्टैब्लिश था, ठीक है ना, तो मुगल्स का राज था। इसलिए यहाँ पर जितने भी क्रिमिनल कोर्ट थे उनको ऑपरेट करने का काम काजी और मुफ्ती करते थे, और काजी और मुफ्ती के ऊपर भी एक ऑफिसर होता था जिसको क्या कहते थे? जिसको कहते थे कलेक्टर। बिल्कुल बच्चों, वही कलेक्टर जो हम देखते हैं कि आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कलेक्टर होता है, जैसे जोधपुर का कलेक्टर अलग है, उदयपुर का अलग है ना। तो इस तरह से कलेक्टर हर डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट हेड होता था, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने का काम कलेक्टर करता था। तो ये था क्रिमिनल कोड। आगे देखिए बच्चों, 1773 इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट निकल लें। 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का पहली बार 1773 में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कोलकाता के अंदर। उस कोर्ट को क्या कहा गया? सदर निजामत अदालत। तो यहाँ पर याद रखना, आज की तारीख में हमारी कंट्री का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बच्चों? बिल्कुल न्यू दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर है, जो हमारी कंट्री की क्या है? कैपिटल है। लेकिन 1773 में इंडिया का पहला सुप्रीम कोर्ट बना था कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। और इस कोर्ट का क्या नाम था? सदर निजामत अदालत। तो आपको ये तो ध्यान हो गया कि 1772 के अंदर टू टाइप के कोर्ट बनाए गए, इन दोनों कोर्ट से ऊपर भी एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जहाँ पर पूरी कंट्री से जुड़े हुए बड़े बड़े मामले आते थे। इसको कहा गया सदर निजामत अदालत। तो इस तरह से बच्चों आप समझ रहे हैं, ठीक है बच्चों।
एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्रिमिनल और सिविल कोर्ट बनाया गया। आगे क्या चेंज हुए तो देखिए, कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड फॉर इंडियन डिस्ट्रिक्ट, पूरी इंडिया को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट का एक हेड होता था, उस हेड को कलेक्टर कहते थे। अब कलेक्टर का क्या क्या काम था तो देखिए बच्चों, कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, मतलब डिस्ट्रिक्ट से जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट होगा वो कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कानून और व्यवस्था बनाए रखना, और डिस्ट्रिक्ट बाय बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो ये सारे काम किसके थे, कलेक्टर के थे। आगे हम बात करते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर का, द कंपनीज आर्मी। अब आर्मी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस कंपनी ने किए, तो क्या क्या चेंज थे तो देखिए बच्चों, पहला चीज, द मुगल्स आर्मी वाज कंपोज्ड ऑफ कैवेलरी, इन्फेंट्री एंड आर्म्स। अगर आप अंग्रेजों से पहले के समय की बात करें, जब हमारी कंट्री के अंदर मुगल्स रूलर थे, तो उस समय में मुगल आर्मी थ्री कंपोनेंट से बनके मिलके बनती थी, मतलब मुगल आर्मी में तीन तरह की सेना होती थी। पहली होती थी कैवेलरी, जिसको हम कहते थे सवार, मतलब घुड़ सवार वाली जो सेना थी उसको कैवेलरी कहते थे। सेकेंड आ गया इन्फेंट्री, जो पैदल चलने वाले सैनिक थे जिनके हाथ में भाला या तलवार रहता था वो इन्फेंट्री थी। और तीसरी थी आर्चरी, मतलब तीर धनुष लेकर चलने वाली जो सेना थी उसको आर्चरी कहते थे। तो इस तरह से मुगल टाइम पीरियड में तो इस तरह की सेना थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कंट्रोल करना शुरू किया तो इन्होंने आर्मी सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज किया। क्या चेंज किया, ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीसेस इन आर्मी। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने आर्मी के अंदर सबसे पहली बात तो रिक्रूटिंग करने शुरू की। रिक्रूटिंग का मतलब होता है भर्ती करना। आप लोग देखते हैं बच्चों, आज भी हमारे यहाँ आर्मी में जाने के लिए आप लोगों को एग्जाम देना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पीसेंट्स को सबसे पहली बात किसानों का आर्मी में भर्ती किया गया। फिर देखिए ट्रेनिंग देम एज अ प्रोफेशन, बाद में इनको वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी जैसी आज भी दी जाती है। लेकिन अगर आपको एक चीज और बता दें बच्चों की, मुगल टाइम पीरियड में ऐसा नहीं होता था। मुगल टाइम पीरियड के अंदर पीसेंट जो आर्मी थी उसमें लोगों को ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आर्मी को नहीं देते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बाद में इंडिया के अंदर प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो थी वो आर्मी की शुरू कर दी। जैसा आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत लंबी टाइम पीरियड तक आर्मी के अंदर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सारी चीजें सीखनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद नाउ आर्मी वाज नोन एज सिपाही आर्मी। और पहले मुगल्स टाइम पीरियड की बात करें तो सेना कहते थे, है ना, लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो इन्होंने आर्मी का नाम बदल के क्या कर दिया, सिपाही आर्मी, ठीक है। इसके बाद देखिए 1820 AD के अंदर या 1820 के अंदर ब्रिटिशर्स ने आर्मी में कई सारे बड़े टेक्नोलॉजिकल चेंज किए, मतलब टेक्नोलॉजी में चेंज किया। सिपाहियों के पास जो हथियार होते थे उनको और ज्यादा एडवांस बनाया। तो इन्होंने क्या किया, देखिए वॉरफेयर टेक्नोलॉजी वाज चेंज, नाउ द आर्मी फाउंड विद द मस्केट हैवी गन यूज बाय द इन्फेंट्री सोल्जर्स एंड द मैचलॉक्स अ गन व्हिच द पाउडर वाज इमीडिएटली वाइब्रेट। अब देखिए आर्मी के अंदर दो तरह के हथियार और जोड़ दिए गए। ब्रिटिशर्स ने दो नए हथियार अपनी आर्मी में लाए। पहला जिसको कहते थे मस्केट, मस्केट का मतलब एक बहुत ही हैवी गन होती थी, बहुत ही भारी गन होती थी जिसका यूज इन्फेंट्री सोल्जर करते थे। इन्फेंट्री कौन, पैदल सेना, जो पैदल सेना होती थी उनको ये भारी भरकम बंदूकें दी जाती थी। दूसरा था मैच लॉक, मैच लॉक का मतलब एक ऐसा हथियार जिसमें बारूद को माचिस से जलाया जाता था, उसे मैच लॉक कहते थे। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी बदली है लोगों ने। फिर देखिए ब्रिटिशर्स डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर विद द यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग, ड्रिलिंग एंड डिसिप्लिन। इसी के साथ में देखिए कास्ट एंड द कम्युनिटी फीलिंग वर इग्नोर्ड। तो ब्रिटिशर्स ने आर्मी में कई बड़े चेंज किए। जैसे पहला देखिए डेवलप द यूनिफॉर्म, पूरी आर्मी के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म रखी गई। फिर कल्चर, मिलिट्री के अंदर कुछ चीजें चेंज की गई। जैसे आप देखिए बच्चों, आज भी मिलिट्री के जो लोग हैं उनका डिसिप्लिन, उनका बिहेवियर बहुत अलग होता है। तो इस तरह से इनके कल्चर, मिलिट्री का कल्चर बिल्कुल अलग हुए हैं। फिर यूरोपियन स्टाइल में लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ड्रिलिंग होती थी और
और इनका जो डिसिप्लिन था वो भी मेंटेन करना शुरू किया, और कह सकते हैं कि इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी बना ली। तो अगर बच्चों इस चैप्टर को हम लोग देखें तो बार बार एक ही बात मैं आपसे कहती आई हूँ कि एक ट्रेडर्स थे, बिजनेस करने के लिए इंडिया आए और पूरी कंट्री को इन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया, कितने पावरफुल बन गए धीरे धीरे। पहले इनका एम था सिर्फ प्रॉफिट कमाना, लेकिन बाद में जब इन्होंने देखा कि हमारी कंट्री में जो प्रिंसली स्टेट है, जो राजा महाराजा है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इन लोगों ने उसी का फायदा उठाया जो हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर के अंदर, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर। तो धीरे धीरे इन्होंने इंडिया पर कंट्रोल किया, कई बड़े बड़े चेंजेस किए। तो ये आपका चैप्टर था नंबर सेकेंड हिस्ट्री का, जो आज यही कंप्लीट होता है बच्चों। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।